जांघों और पैर की चर्बी कम करें सिर्फ 5 मिनट में। 4 सिंपल एक्सरसाइजेस टू लूज थाई फैट एंड लेग फैट। नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? जब मुझे लगा कि मेरी कमर पतली हो चुकी है तो थाइस पे आके जीन्स क्यों फंस जाती है? क्या आप भी अपने पैरों और जांघों की चर्बी से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि चलते समय आपकी दोनों पैर टकराते हैं और बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है? क्या आप अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं और काफी बारी जब आप अपने मनपसंद कपड़े खरीदने जाते हैं तो कमर से तो फिट आ जाते हैं लेकिन नीचे की शेप में आपको बिल्कुल भद्दापन लगता है क्योंकि वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा, जैसे कि मटका होता है वैसी शेप में आप लगते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मटका शेप को एकदम ब्यूटीफुल बना दें तो मैं लेके आई हूं आपके लिए इजी लेग एंड थाई वर्कआउट एट होम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके जांघों का मोटापा हुआ कैसे, इसके क्या कारण है। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि हमें माँ बाप से मिली हुई देन। ध्यान से और गौर से देखिए अपने पापा मम्मी को और पहचानिए कि आपकी बॉडी शेप किसके ऊपर है, या पापा पे या मम्मी पे। इसका मतलब आप अपने जेनेटिक्स की वजह से लोअर हाफ में हैवी हैं। लेकिन परेशान और मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन को देखा है ना, उसने भी अपने जेनेटिक्स से फाइट करके अपनी बॉडी को फिट रखा है, तो वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए तो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सिंपल एंड इजी वर्कआउट। नंबर 2 रीजन है आपकी थाई पे फैट होने का हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से हमारी थाई पे फैट अक्यूमुलेट हो जाता है। इसलिए जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन है वो औरतों में ज़्यादा होने की वजह से थाई फैट की जो प्रॉब्लम है लेग फैट की, वो औरतों में ही ज़्यादा पाई जाती है, आदमियों में इतनी नहीं होती। लेकिन मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव दिखने वाली एक्ट्रेसेस तो देखी ही होंगी बॉलीवुड की। इसका मतलब उनके अंदर भी अगर एस्ट्रोजन है तो अगर वो पतली रह सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं। नंबर 3 रीज़न है आपकी थाई पे फैट अक्यूमुलेट होने का आपका मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हो गया है ठंडा क्योंकि आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो फिर तो थाई पर फैट होगा ही ना जमा। तो इससे अगर आपको निजात पानी है तो इजी और सिंपल एक्सरसाइजेस जो मैं बताऊंगी उनको करना ना भूलें। 4th और सबसे आखिरी रीजन है आपकी थाई पे फैट होने का जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मीठे की क्रेविंग। जी हाँ, आपको क्या लगा मैं आपको ये सारी चीजें खाने के लिए बोलने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ आपका सबसे आखिरी कारण थाई पे फैट जमा होने का। अगर आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग तो उसे करिए बाय बाय और मेरी ये एक्सरसाइजेस जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपकी मदद करूंगी मटके शेप से एकदम पतली बांसुरी बनने में। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके बताइए कि आपके ऊपर कौन सा वाला कारण फिट बैठता है। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि इसमें मैं दूंगी बहुत ही स्पेशल सैलेड की एक रेसिपी, जिसको अगर आप दिन में एक बारी भी खा लेंगे अपने किसी भी एक मील की जगह तो हो गया बस आपका काम। फैट और जांघों की चर्बी तो ऐसे गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज करने के लिए हम लेंगे एक कुर्सी और फिर हम कुर्सी की मदद से जितना इस कुर्सी का डिस्टेंस है उससे थोड़ा दूर अपने पैरों को रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फिर हम झुकेंगे नीचे और हमारा जो कुर्सी से हाथों का डिस्टेंस है 1 आर्म का रहेगा। हम ऐसे नीचे झुकेंगे, ऊपर आने के बाद हम अपने टोस पर आएंगे और फिर नीचे और फिर ऊपर। आइए साथ साथ करते हैं। 1 and 2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बड़ी ही आसान है ये। बस एक सिंपल कुर्सी की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा थाई फैट है वो ज़्यादातर कई लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कोई ना कोई प्रकार की वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका थाई फैट गायब हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने कर लिए हैं पूरे
10 counts. Well done. आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज कैसी लगी जरूर जाके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आइए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम करेंगे कुर्सी को अपने सामने और हम पैरों को इस प्रकार से इतने डिस्टेंस पे रख लेंगे और फिर हम नीचे झुकेंगे कुर्सी की ही मदद से और अपने टोज को उठाएंगे। इसको 5 बारी करेंगे और फिर इसको भी 5 बारी करेंगे, राइट देन लेफ्ट। आइए साथ साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, and 5, 5 more. 1, 2, 3, 4, and 5. बहुत अच्छा, आई एम श्योर जितना बर्न मुझे फील हुआ उतना आपको भी जरूर फील हुआ होगा। मेरे तो पसीने ही छूट गई एक्सरसाइजेस करके। आप मान सकते थे इतनी इजी एक्सरसाइजेस इतनी असरदार हो सकती हैं? अब मुझे जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेकंड एक्सरसाइज कैसी लगी। थर्ड एक्सरसाइज है बड़ी ही आसान और बड़ी ही एक्साइटिंग भी। इसके लिए हम कुर्सी को रखेंगे अपने किसी भी एक साइड पे जो हमें कंफर्टेबल है और हम पैरों को इस तरह से भरतनाट्यम की पोजीशन में रखेंगे और फिर हम अपने पैरों को ऐसे करके और इसको क्लोज एंड ओपन करेंगे। बहुत ही इजी है, आइए साथ साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. वेल डन, बहुत ही अच्छा किया आपने। आई एम श्योर आपको ये एक्सरसाइज भी उतनी ही असरदार लगी होगी जितनी की बाकी की। आपको पहली, दूसरी या तीसरी कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा पसंद है जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चौथी एक्सरसाइज भी बड़ी ही आसान है, जल्दी से आपको मैं दिखा देती हूँ। इसके लिए हम कुर्सी को अपनी साइड पे रखेंगे और पैरों को जितना कंफर्टेबली खोल सकते हैं उतना तक खोलेंगे। मैं इतने तक कंफर्टेबल हूँ तो मैं इतना ही करूँगी और हमने जाना है नीचे और स्ट्रेच करना है। यहाँ पे आपको थाइज में, इनर थाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा और ये देखिए ऐसे और ऐसे। आइए जल्दी से ये एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं। अब हम जाएंगे नीचे और फिर हम स्ट्रेच करेंगे एंड 1 एंड 2। इनर थाइज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं क्योंकि वो जो हमारी थाइज के बीच में गैप अच्छा लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करिए, पूरा स्ट्रेच फील करिए अपनी लेग में और ये हो गए हैं हमारे पूरे 10 counts। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी फेवरेट जीन्स में जरूर फिट हो जाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है, ट्राई करके तो देखिए। अब समय आ गया है कि मैं आपको दूं अपनी स्पेशल सैलेड की रेसिपी। इसमें सभी प्रकार के फ्रूट्स डलते हैं सिवाय उनके जो कि हमें मोटा करते हैं और इसकी रेसिपी मैं आपको आराम से दूंगी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। उधर जाके ये रेसिपी को जरूर बनाइए और साथ साथ में अपना सैलेड एंजॉय करिए और फिर ये करिए एक्सरसाइजेस भी।